हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और कंपनी के ऊपर मशीन लर्निंग का केस स्टडी करने वाले हैं। कंपनी का नाम है ऊबर, आई गेस सभी ने सुन रखा है इसके बारे में। तो आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है कि ऊबर एज अ कंपनी मशीन लर्निंग को कैसे यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में और अपने वर्क फ्लो में। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा ऊबर के बारे में बात करेंगे, उसके AI कल्चर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं ऊबर में जहाँ पर मशीन लर्निंग यूज़ हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऊबर आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही है, इट्स अ बिग कंपनी। मोस्टली दो डोमेन्स में ऊबर काम करता है, मोबिलिटी एंड डिलीवरी। ठीक है, तो ऊबर का जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो इनका ऊबर ऐप, जिसको यूज़ करके आप कैब्स वगैरह बुक कर सकते हो। इसके अलावा भी ऊबर ने कई और काइंड ऑफ डोमेन्स में एंट्री की है, जैसे कि ऊबर ईट्स है जो बिल्कुल स्विगी की तरह काम करता है, और इस तरह के कुछ और भी काम है जो ऊबर अब करने लगा है। सो ऊबर, अगर आप ऐप की बात करो तो आज की डेट में ऊबर हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू 70+ कंट्रीज़। ठीक है, लगभग 70 कंट्रीज़ में ऊबर यूज़ किया जा रहा है, लगभग 900 शहरों में ऊबर की गाड़ियाँ चलती हैं, और एक दिन में जितना मुझे पता है ऊबर पे अराउंड 1.5 करोड़ ट्रिप्स बुक होते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट, 1.5 करोड़ ट्रिप्स डेली। ठीक है, तो हमें समझना है कि ऊबर कैसे ये सारी चीज़ कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। बट उसके पहले मुझे आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना है और मुझे आपको ये बताना है कि आई हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ऊबर, बिकॉज जिस तरीके से उन लोगों ने मशीन लर्निंग और AI को एम्ब्रेस किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। ठीक है, ऊबर को लेकर के आपको कुछ कुछ न्यूज़ मिलते रहेगा कि कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, कई बार प्रॉफिटेबल नहीं रही है कंपनी। तो ये सब थोड़े से ऊबर के अगेंस्ट ये सब चीज़ें आती हैं, बट जब भी AI और मशीन लर्निंग से रिलेटेड बात होती है ना, तो ऊबर की हमेशा तारीफ होती है। बिकॉज इफ़ यू आस्क मी, ऊबर इज़ अ AI फर्स्ट कंपनी। AI फर्स्ट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है मेरे हिसाब से जो अपने हर प्रोडक्ट, अपने हर वर्क फ्लो में AI और मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करना चाहता है, बिकॉज वो कंपनी सच में बिलीव करती है कि AI हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ऊबर इज़ वन सच कंपनी। ऊबर में एक रिच कल्चर है AI का, दे बिलीव कि उनकी हर टीम के पास AI का पावर होना चाहिए, इवन मार्केटिंग, सेल्स, इस तरह की टीम्स के पास भी वो टूल्स होने चाहिए जो AI ड्रिवन है। ठीक है, अगर आपको सच में समझना है कि कैसे ऊबर बाकी कंपनीज से अलग है AI अडॉप्शन के केस में, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि ऊबर में दो तरीके से काम होता है मशीन लर्निंग के ऊपर। फर्स्ट ऑपरेशनल तरीके से, कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा भी वो क्या करते हैं, उनका एक रिसर्च डोमेन है मशीन लर्निंग और AI का, जहाँ पर वो एक्टिवली काम करते हैं फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो अभी जिनका सोल्यूशन नहीं आया हुआ। सो दे हैव अ वेरी एक्टिव रिसर्च टीम। ये मुझे तब पता चला जब मैं उनकी वेबसाइट पर गया, और उनकी वेबसाइट पर आप जा करके चेक कर सकते हो कि उन्होंने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी कि AI, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP के डोमेन में उन्होंने 100 से ज़्यादा पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बताता है कि ऊबर कितना वैल्यू करता है AI को। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो ऊबर ने कई ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं कम्युनिटी के लिए। उन्होंने लुडविक बोल करके एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर आप विदाउट राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कोड आप मशीन लर्निंग मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो, एक्चुअली डीप लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो। दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस टूल कॉल्ड पोएट, जो कि खुद में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जहाँ पर एक AI खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, डिफिकल्ट टेरेन्स क्रिएट कर रहा है, और फिर उसको खुद से सॉल्व भी कर रहा है। ओपन एंडेडनेस बोल करके एक चीज़ होती है जो AI में बहुत परस्यू किया जा रहा है, इस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने ये टूल बनाया है। आप एक बार ये वीडियो चेक कर सकते हो, यू विल गेट सम आइडिया। ठीक है, जो भी है, इतने डिस्कशन के बाद आई गेस आपको समझ में आया होगा कि ऊबर इज़ एक्चुअली एक्टिवली परस्यूइंग AI। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स जहाँ पे ऊबर ने AI और मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट किया है। अब आगे बढ़ने के पहले मुझे आपको बताना है माइकल एंजेलो के बारे में। ठीक है,
माइकल एंजेलो क्या है? माइकल एंजेलो ऊबर का इंटरनल मशीन लर्निंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको आप एक मशीन लर्निंग एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। क्या करता है माइकल एंजेलो? माइकल एंजेलो ऊबर के डेटा साइंटिस्ट को हेल्प करता है मॉडल को बनाने में, डिप्लॉय करने में और उसको मॉनिटर करने में। माइकल एंजेलो इस तरीके से डिजाइंड है कि एक प्रोजेक्ट का जो पूरा वर्क फ्लो होता है, एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का जो पूरा वर्क फ्लो होता है, डेटा एक्विजिशन, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल बिल्डिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ को एंड टू एंड कवर करता है। नॉट ओनली दैट, एक बार अगर आप माइकल एंजेलो यूज करके अपना मॉडल को डिप्लॉय करते हो तो माइकल एंजेलो उसको ऊबर के स्केल पे डिप्लॉय करता है, ठीक है। करेंटली आप तीन तरह के मॉडल्स यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो, मशीन लर्निंग जो क्लासिकल मशीन लर्निंग है उसके मॉडल्स, डीप लर्निंग एंड NLP, ठीक है। और इस पॉइंट पे माइकल एंजेलो इज द डी फैक्टो मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो ऊबर की सारी इंटरनल टीम्स यूज करती हैं मॉडल बिल्डिंग और मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि माइकल एंजेलो की ज़रूरत क्यों है ऊबर के अंदर, तो लेट मी टेल यू, देर आर टू रीजंस। पहला रीज़न है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा रीज़न है स्केल, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या होता था, मतलब ऊबर जब छोटा था तो ठीक है, छोटी सी एक टीम थी उनकी डेटा साइंस की जो उनके लिए मॉडल्स बनाती थी, बट धीरे धीरे जब ऊबर बड़ा होने लगा और अलग अलग कंट्रीज़ में फैलने लगा तो और खूब सारी डेटा साइंस टीम्स बनने लगी, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेटा साइंस टीम्स आ गई और वो कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने लगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि हर डेटा साइंस टीम अपने खुद के मॉडल अपने हिसाब से बना रही थी और अपने हिसाब से डिप्लॉय कर रही थी, सो उसकी वजह से उन मॉडल्स का इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड था। सो कल को एक दूसरी टीम को अगर उन मॉडल्स को यूज़ करना है तो देर वॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन, आपस में बात करने का तरीका सही नहीं था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को माइकल एंजेलो ने सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि देखो, मॉडल आप कोई भी बनाओ, उसको बनाने के लिए आप माइकल एंजेलो यूज़ करो, उसको डिप्लॉय करने के लिए आप माइकल एंजेलो यूज़ करो, सो दैट एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, स्टैंडर्डाइज पाइपलाइंस बन जाए, सो दैट आज आपने कोई मॉडल बनाया है उसको पूरे ऊबर में कोई भी और डेटा साइंस टीम यूज़ कर पाए। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम था स्केल का। सो जैसे जैसे ऊबर ग्रो किया, पूरे दुनिया के लेवल पे आया, करोड़ों लोग आपके प्रोडक्ट्स, आपके मशीन लर्निंग फीचर्स को यूज़ करने वाले थे, तो डेटा साइंटिस्ट जो भी थे ऊबर में उनका दो बहुत हेक्टिक काम हो गया। पहला, नॉट ओनली दे हैव टू बिल्ड गुड मॉडल्स, दे हैव टू ऑल्सो डिप्लॉय इट एट अ स्केल ऑफ ऊबर, इतने बड़े स्केल पर डिप्लॉय भी करना है। तो माइकल एंजेलो के आने के बाद वो डिप्लॉयमेंट वाला इशू सॉल्व हो गया, बिकॉज अब आपका फोकस सिर्फ मॉडल बिल्डिंग था, डिप्लॉयमेंट का सारा कंसर्न माइकल एंजेलो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता था। अब डेटा साइंस टीम्स सिर्फ मॉडल बिल्डिंग पे फोकस करती हैं और दे कैन वेरी इजिली डिप्लॉय दैट मॉडल एट द स्केल ऑफ ऊबर यूजिंग माइकल एंजेलो। सो अगर आपको माइकल एंजेलो के बारे में और पढ़ना है तो मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर दूंगा। इस ब्लॉग में इन्होंने ऊबर ईट्स का एग्जांपल लेकर के समझाया है कि माइकल एंजेलो कैसे काम करता है, ठीक है। इट्स अ गुड ब्लॉग, एक बार पढ़ना आप। ऑल्सो माइकल एंजेलो के बारे में एक अच्छा फैक्ट, आगे मैं आपको जितने भी फीचर्स बताने वाला हूँ कि ऊबर कैसे मशीन लर्निंग यूज़ करता है, वो सब के सब फीचर्स माइकल एंजेलो को यूज़ करके बने हैं। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। सो नाउ गाइज, लेट्स सी कुछ फीचर्स ऊबर के जहाँ पर वो मशीन लर्निंग यूज़ करता है। जो पहला फीचर हम यूज़ देखने वाले हैं वो है ETA prediction, estimated time for arrival का prediction। सो ETA आपको शायद ऑलरेडी पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ऊबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ETA आपको पहले से बता देता है कि आपकी कैब कितनी देर में आने वाली है, या फिर अगर आप एक कैब से कहीं जा रहे हो तो ETA आपको बता देगा कि आपका डेस्टिनेशन कितनी देर में आएगा, और जब आप ऊबर ईट से खाना मंगाते हो तो तब भी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ों के लिए ऊबर ETA कस्टमर को बताता है। एंड दिस ETA हैज़ टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज अगर ये ETA ख़राब आएगा या गड़बड़ आएगा तो यूज़र का कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होगा और फिर वो प्लेटफॉर्म छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ऊबर ETA को बहुत सीरियसली लेता है और ETA में ऊबर ने काफ़ी मशीन लर्निंग यूज़ किया है, ठीक है। कैसे, डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडिशनली जो राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं या जो राउटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको अगर बोला जाता है ETA कैलकुलेट करने, तो व्हाट दे डू इज कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जितने भी रास्ते होते हैं उन सबको वो एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर हर एज को वो एक वेट असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि कौन सा सबसे छोटा रास्ता बनेगा, और उसके हिसाब से वो ETA कैलकुलेशन होता है। बट
इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रियल टाइम सिनारियोज को कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही है या एक्सीडेंट हो गया या ट्रैफिक कंजेशन है, ये सब कैलकुलेशन इसमें नहीं है। सो दैट इज़ वाई ऊबर ने क्या डिसाइड किया कि हम इस पूरी चीज़ को नॉट ओनली ट्रेडिशनल तरीके से लेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करके, बट दे विल ऑल्सो अप्लाई मशीन लर्निंग ऑन टॉप ऑफ इट टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो दैट इज़ वाई ऊबर अभी क्या करता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला अप्रोच तो यूज़ करता ही है, बट उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए वो हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं और रियल टाइम में जो डेटा जनरेट हो रहा है वो लेते हैं और एक मशीन लर्निंग मॉडल के साथ क्लब करके ETA का प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। सो पहले इस पूरे काम के लिए उन लोगों ने ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्रीज यूज़ किए थे, ग्रेडियंट बूस्टिंग डिसीजन ट्रीज, बट जैसे जैसे मॉडल और थोड़ा बड़ा हुआ दे स्विच टू XG बूस्ट, ठीक है, जो सबसे पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उन्होंने उसको अप्लाई किया। जैसे जैसे डेटा और बड़ा होता गया, मॉडल भी और बड़ा होता गया, एक पॉइंट ऐसा आया जब ऊबर का जो XG बूस्ट मॉडल था वो दुनिया में सबसे बड़ा XG बूस्ट मॉडल था, ठीक है, बट उसके भी और बड़े हो जाने के बाद ऊबर रियलाइज्ड कि अब इस चीज़ को हम लोग XG बूस्ट से हैंडल नहीं कर सकते बिकॉज डेटा हैज़ ग्रोन सो मच। सो देन ऊबर रियलाइज्ड एंड दे डिसाइडेड कि हम अब डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज करेंगे एंड देन दे बिल्ट अ मॉडल कॉल्ड डीप ETA, ठीक है। सो डीप ETA क्या है, इसको बनाने के लिए ऊबर ने 7 डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को ट्राई किया एंड फाइनली दे सेटल्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एनकोडर डीकोडर आर्किटेक्चर विथ सेल्फ अटेंशन, ठीक है। इस पूरी चीज़ का डिटेल मैं आपको इस ब्लॉग में देता हूँ, ये ब्लॉग अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा मॉडल कैसे बना है, इसका आर्किटेक्चर क्या है और इसको डिप्लॉय कैसे किया है, ठीक है। इसको इस पूरे मॉडल को बनाने में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे ऊबर के सामने। पहला था लेटेंसी इशू, मतलब मॉडल का रिजल्ट विद इन सेकेंड्स आना चाहिए क्योंकि आपने कैब बुक किया आपको तुरंत दिखना चाहिए कि कितनी देर में कैब आ रही है। दूसरा था एक्यूरेसी, ऑब्वियसली रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट, अगर 5 मिनट में आने वाली है कैब तो 5 के आसपास का ही नंबर दिखाना है। एंड थर्ड था जेनरैलिटी, जेनरैलिटी का मतलब ऊबर को सेम ये ETA प्रिडिक्शन वाला मॉडल अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालना था, तो उनको ये इस तरीके से बनाना था कि थोड़े थोड़े चेंजेस अगर हो रहे हैं तो मॉडल पे उससे कोई असर ना पड़े, तो ऊबर ईट्स के ऊपर भी वो इसको लगा सकते हैं, ऊबर मोबाइल ऐप के ऊपर भी लगा सकते हैं और अपने बाकी सर्विसेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा डीप ETA वाला मॉडल कैसे काम करता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये ब्लॉग पढ़ना, यू वुड गेट सम आइडिया अबाउट दैट। एंड यस, जैसा कि मैंने बताया आपको, डीप ETA वाला जो इनका मॉडल है वो भी पूरा का पूरा बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ माइकल एंजेलो और उसको डिप्लॉय करने के लिए भी माइकल एंजेलो का ही हेल्प लिया गया, ठीक है। एक और एरिया जहाँ पर ऊबर मशीन लर्निंग बहुत यूज़ करता है वो है डिमांड सप्लाई गैप हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ऊबर का बिजनेस सही से रन हो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊबर अपना डिमांड सप्लाई गैप सही से मैनेज करे। लेट मी एक्सप्लेन। सो ऊबर के पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ कार्स हैं और उन्हीं कार्स को यूज़ करके उनको बहुत सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को सर्व करना है। सो अगर डिमांड और सप्लाई सही तरीके से मैनेज नहीं होगा तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा और लोग कैब्स बुक नहीं कर पाएंगे। कई बार आपने सुना होगा ऐसा बोलते हुए कि यार ओला में तो कैब्स ही नहीं है या ऊबर में तो कैब्स ही नहीं है। ये जनरली तब होता है जब जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे इनफ सप्लाई नहीं है कैब्स की, जिसकी वजह से लोग कैब बुक नहीं कर पाते। तो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऊबर ने मशीन लर्निंग यूज़ किया है। ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 स्टेजेस में काम होता है। पहला होता है डिमांड का प्रिडिक्शन, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने कैब्स की रिक्वायरमेंट होगी या कितने लोग कैब बुक करने की कोशिश करेंगे, ये ऊबर पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन पास डेटा। इट इज़ बेसिकली टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग। ऊबर ने इसको अच्छा करने के लिए एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर यूज़ किया है 2019 ऑनवर्ड्स, जिसका नाम है जीनी। जीनी क्या करता है, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग करके आपको बताता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितने कैब्स का रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज स्टेज 1 ऑफ द प्रॉब्लम, प्रिडिक्शन ऑफ द डिमांड। अब है सेकेंड स्टेज, जहाँ पे अगर आपको पता चल जाए कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतना डिमांड है तो आप सप्लाई कैसे इंश्योर करोगे। तो इसके लिए ऊबर ने एक टेक्निक निकाला जिसको हम बोलते हैं सर्च प्राइसिंग। आई गेस आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, कई बार हम सेम जगह पे जाने के लिए
अलग अलग प्राइस पे करते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी कभी सस्ता पड़ता है, कभी बहुत महंगा पड़ता है, और हम ऊबर को गालियाँ देते हैं कि यार एक ही जगह जाने के लिए प्राइस फिक्स क्यों नहीं है। तो सर्च प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि होता क्या है कि जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी लेट्स से ऑफिस एरिया है, शाम को 5 बजे सब लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, कैब्स बुक कर रहे हैं, और अभी वहाँ पर इनफ कैब्स नहीं है, तो अब उनको इनफ कैब्स वहाँ पे बुलानी है। तो वो लोग क्या करेंगे, आसपास में जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं अलग अलग एरियाज़ में, उनको इस तरह का एक मैप दिखाते हैं जहाँ पे मैप के ऊपर एक हीट मैप होता है, और वो हीट मैप रेड कलर में ये दिखाता है कि कहाँ पर अभी बहुत डिमांड है, और उसके ऊपर वो बता देते हैं कि इस जगह पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ से अगर आपको कोई राइड मिलती है तो उसमें इतना टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स। तो इन अ वे वो मॉनेटरी लालच देते हैं कैब ड्राइवर्स को कि जल्दी से इस रीजन में आ जाओ। तो आसपास के जो ड्राइवर्स हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा या कैब मिले राइड मिलेगी तो वो 2 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा देगी, तो वो झट से उस रीजन में पहुँचते हैं। और जैसे ही खूब सारी कैब्स उस रीजन में पहुंच जाती हैं, ऊबर क्या करता है, उस एरिया को वापस ग्रीन कर देता है या नॉर्मल कर देता है, ठीक है। सो अब ये एक्स्ट्रा पैसा जो चाहिए होता था मोटिवेशन के लिए, वो कस्टमर से ले लेते हैं, कस्टमर को ऐप में दिखा देते हैं कि अभी खूब सारे लोग कैब बुक कर रहे हैं तो हमें आपके लिए कैब बुलाने के लिए थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करने पड़ेंगे। तो आप गुस्सा मत हुआ करो, मैं पहले गुस्सा होता था कि साला ये क्या है यार, मतलब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो आप, बट देर इज़ अ रीज़न टू इट। दे हैव टू इंश्योर द डिमांड सप्लाई गैप सही से फुलफिल हो, फॉर दैट दे हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा मनी, दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। अब थोड़ा NLP की साइड मूव करते हैं। ऊबर ने अपने कई फीचर्स में NLP भी यूज़ किया है, ठीक है, उसका मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कैब बुक किया और आप जानना चाहते हो कैब ड्राइवर से कि अभी उसका लोकेशन क्या है, कितनी देर में वो आने वाला है, तो आप ऊबर चैट यूज़ करके, जो इनबिल्ट चैट एप्लीकेशन है ऊबर का, वहाँ पे आप एक मैसेज टाइप कर सकते हो कि कहाँ पर हो तुम, ठीक है, और वो मैसेज जा करके आपके कैब ड्राइवर को मिल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी कि आपका जो कैब ड्राइवर है वो हो सकता है गाड़ी चला रहा हो या फिर ट्रैफिक में फंसा हुआ है, जहाँ पर प्रॉपर एक मैसेज टाइप कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो डिले हो सकता है और यूज़र का कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो ऊबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वन क्लिक चैट सिस्टम बनाया है जो बिल्कुल जीमेल के स्मार्ट रिप्लाई फीचर जैसा है, जहाँ पर सामने से जब कोई मैसेज आता है तो वो सिस्टम ड्राइवर के ऐप में 4-5 एप्रोप्रिएट रिप्लाइज जनरेट कर देता है, जिस पे क्लिक करने से वो मैसेज चला जाता है। ये फीचर आपने शायद देखा भी होगा। तो ये फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए ऊबर ने NLP यूज़ किया है। बहुत सिंपल है, इस पूरे फीचर को आप समझ सकते हो बहुत ईजिली। सबसे पहले आप एक मैसेज करते हो, वो मैसेज सर्वर पे जाता है, सर्वर पे आपका NLP मॉडल डिप्लॉयड है। उसका दो काम होता है, पहला काम होता है इंटेंट डिटेक्शन, मैसेज से उसका इंटेंट निकालना, जैसे वेयर आर यू राइट नाउ, तो इससे इंटेंट निकलेगा वेयर आर यू, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट होता है रिप्लाई रिट्रीवल, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके जितने भी पॉसिबल रिप्लाईज हैं अभी सिस्टम में, आप सबके अगेंस्ट एक कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट करते हो, और 4 जो सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंस स्कोर वाले रिजल्ट्स हैं, जैसे कि आई एम ऑन माय वे, आई एम एट द एड्रेस, या कॉल मी, इस तरह के रिप्लाईज को सबसे ज़्यादा जब कॉन्फिडेंस स्कोर मिलता है तो आप उस पूरे को उठा करके मैसेज में डिस्प्ले कर देते हो, और आपका जो कैब ड्राइवर है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उनमें से किसी एक पे क्लिक कर देता है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे ऊबर ने NLP यूज़ किया है, और ये ऑनेस्टली एक ऐसा फीचर है जो अब और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। सो, एक और एरिया जहाँ पे ऊबर ने तगड़ा NLP लगाया है वो है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। अब कस्टमर सपोर्ट बहुत ही वाइटल होता है किसी भी कंपनी के लिए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं तो उनके इश्यूज बढ़ते हैं, और अगर उन इश्यूज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो फिर क्या हो सकता है कि आपका कस्टमर डिससैटिस्फाई हो सकता है और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को छोड़ सकता है, ठीक है। तो ऊबर ये समझता है कि कस्टमर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऊबर का जो पुराना कस्टमर सपोर्ट था वो कैसे काम करता था कि आप अपने ऐप में, लेट्स से आपने ट्रिप लिया और आपको कुछ इशू है, लेट्स से आपका फेयर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आ गया, तो आप क्या कर सकते थे, आप हेल्प में जा करके ऊबर को बता सकते थे, ठीक है। ऊबर आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता है हायरार्कली, ये फिर ये ऐसे करके आपसे पूरा इशू जानने की कोशिश करता था, और फिर इवेंचुअली जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो उस चीज़ को पढ़ने के बाद मैनुअली डिसाइड करने की कोशिश करती थी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊबर 800 सिटीज़ में काम कर रहा है, एक दिन में 1.5 करोड़ ट्रिप्स हैं,
तो कितना भी बड़ा सपोर्ट टीम बिठा ले, मैन्युअली इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था। सो फिर ऊबर ने क्या किया, उन्होंने एक सोल्यूशन क्रिएट किया जिसको वो लोग कोटा बुलाते हैं, COTA, ठीक है, कस्टमर ऑब्सेशन टिकट असिस्टेंट। ठीक है, कोटा का क्या काम है, कोटा इज़ अ मशीन लर्निंग प्लस NLP बेस्ड सिस्टम, और इसके दो काम है। पहला, अगर एक टिकट जनरेट होता है, मतलब एक इशू अगर रेज होता है, तो कोटा सबसे पहले उसको क्लासिफाई करता है कि वो किस टाइप का टिकट है, क्या प्रॉब्लम है कस्टमर को, ठीक है, और सेकेंड वो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बताता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक हल्का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कोटा काम कैसे करता है। सो कोटा सबसे पहले उसको डेटा चाहिए, डेटा में क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको डेटा में चाहिए ट्रिप के डिटेल्स, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कौन सी गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर कौन है, आपका रेटिंग क्या है, ये सब कुछ ट्रिप डिटेल्स में आ जाता है। सेकेंड, वो आपसे टिकट का टेक्स्ट मांगता है। सो आपको याद होगा, आप कभी भी अगर टिकट रेस करते हो तो आपसे एंड में पूछा जाता है कि इशू को बताओ डिटेल में, तो आप एक पैराग्राफ टाइप का टाइप करके देते हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा है इस सिस्टम के लिए। और थर्ड है वो हायरार्की ऑफ, जो आप क्लिक करते हो ना, पहला ऑप्शन, उसके अंदर ये ऑप्शन, उसके अंदर ये ऑप्शन, ये भी एक डेटा बन जाता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को ले करके कोटा अपना काम चालू करता है। तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपने मैसेज में टाइप करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऊबर उसके ऊपर बहुत फोकस करता है, तो वहाँ पर NLP लगती है। ठीक है, वो पैराग्राफ है उसको वो लोग पहले लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होता है, लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, वर्ड लेवल पे उसको प्रोसेस करता है ऊबर। और फिर क्या करते हैं, उससे टॉपिक मॉडलिंग करके टॉपिक्स जनरेट किए जाते हैं कि ये कौन से पॉसिबल टॉपिक्स को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, इनको उठा करके एक कोसाइन सिमिलैरिटी बेस्ड पॉइंट वाइज एल्गोरिदम में डाला जाता है, जो एक रैंडम फॉरेस्ट से बना है। ठीक है, और ये मॉडल ही क्या करता है, पास टिकट्स के, या जो पास सॉल्व टिकट्स हैं उनके कंपैरिजन में सॉल्यूशंस निकाल करके रैंकिंग मैनर में आपको दे देता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स। ओके, और जब से ये सिस्टम आया है तब से ऊबर का जो कस्टमर सपोर्ट टाइम है वो 10 times रिड्यूस हो गया है। सो पहले जहाँ पे 1 घंटा लगता था, वहाँ पे सिर्फ 6 मिनट में इशू रिजॉल्व हो जा रहा है, इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है। सो ऊबर ने जब कस्टमर सर्वेस लिए, AB टेस्टिंग की, तब भी उनको लगा कि पता चला कि सच में कोटा के एप्लीकेशन के बाद से क्या हो रहा है, आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि ऊबर इज़ एन AI फर्स्ट कंपनी जो अपने हर डोमेन में AI अप्लाई करना चाहती है। यहाँ पर एग्जांपल देखो, कस्टमर सपोर्ट के अंदर उन्होंने AI अप्लाई किया। अब कोटा को वो धीरे धीरे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रैंडम फॉरेस्ट दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस इट विथ डीप लर्निंग, बिकॉज डीप लर्निंग इन जनरल बड़े डेटा के ऊपर ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स दे पाता है। एक और एरिया जहाँ पर ऊबर मशीन लर्निंग यूज़ कर रहा है वो है फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, बेसिकली कुछ भी गड़बड़ होने का सिनेरियो। सो अगर आपने ऊबर यूज़ किया होगा तो शायद आपको पता होगा कि ऊबर के पेमेंट कलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप अगर चाहो तो करेंट ट्रिप का पैसा अगले ट्रिप की शुरुआत में दे सकते हो, विच मीन्स देर इज़ अ डीले पेमेंट सेटलमेंट में, देर इज़ अ डीले। ऑल्सो एक और प्रॉब्लम क्या है कि आप कई तरह के पेमेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, तो इन दो रीजंस की वजह से बहुत चांसेस हैं कि फ्रॉड होने लग जाए, लोग किसी एक प्रॉब्लम का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाएं। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊबर का बहुत बकाया पैसा सिस्टम में रहता है, बट उनको अपने ड्राइवर्स को टाइम पे करना पड़ता है। तो इस तरह के सिनारियोज को हैंडल करने के लिए दे नीड अ फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इन प्लेस। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हो सकता है कि एक साथ बहुत सारा फ्रॉड हैपन होने लग जाए सिस्टम में, और गड़बड़ हो सकता है, उनके लॉसेज बहुत बढ़ सकते हैं। तो ऊबर ने इसको हैंडल करने के लिए एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है रडार। ठीक है, अब रडार एक थोड़ा स्पेशल टाइप का मशीन लर्निंग सिस्टम है, क्योंकि इस मशीन लर्निंग सिस्टम में देयर इज़ अ ह्यूमन इन द लूप। सो ह्यूमन इन द लूप का मतलब है कि इस पूरे वर्क फ्लो में, ये जो मशीन लर्निंग सिस्टम है इसके वर्क फ्लो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ह्यूमन बींग। ठीक है, मतलब सारा का सारा डिसीजन मेकिंग मशीन लर्निंग मॉडल नहीं करता, कुछ चीज़ों में एक ह्यूमन बीइंग भी उसको हेल्प करता है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स होते कौन है, दे आर बेसिकली रिस्क एनालिस्ट। शायद आपने ये जॉब प्रोफाइल सुना होगा। सो ऊबर के जो रिस्क एनालिस्ट होते हैं वो इस सिस्टम का पार्ट होते हैं, और उनका काम होता है जब भी ज़रूरत हो मैनुअल इंटरवेंशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, सो कैसे काम करता है ये पूरा सिस्टम। सो
ऑन द होल आप क्या करते हो, ये सिस्टम क्या करता है, ये पूरा का पूरा पेमेंट एक्टिविटी डे बाय डे बेसिस पे ट्रैक करते रहता है यूजिंग टाइम सीरीज जनरेशन, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम लगा हुआ है कि अगर कोई स्पाइक आता है पेमेंट एक्टिविटी में या कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो तुरंत नोटिफाई करता है रिस्क एनालिस्ट को, ठीक है। कैसे नोटिफाई करता है, बाय जनरेटिंग अ रूल, ठीक है, कि क्या इसका रीजन हो सकता है और क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जाकर के सीधे मिलता है रिस्क एनालिस्ट को। अब रिस्क एनालिस्ट का काम क्या होता है, वो जो रूल जनरेट हुआ है उसको रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना। सो जनरली क्या होता है, अगर कोई पुराने टाइप का फ्रॉड हो रहा होता है तो जिसके अगेंस्ट सिस्टम ने ऑलरेडी रूल्स बना रखे हैं, तो उसमें रिस्क एनालिस्ट को सिर्फ अप्रूव करना होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की जाती क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन आर इन प्लेस, ठीक है। बट अगर कोई नए टाइप का फ्रॉड अकर कर रहा है तो यहाँ पर ये रिस्क एनालिस्ट का काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो देख के समझता है कि ये कुछ नई तरह की चीज़ हो रही है, वो फिर उसके हिसाब से रूल्स को मॉडिफाई करता है और अप्रूव करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस ह्यूमन बींग का, इस रिस्क एनालिस्ट का इस सिस्टम में होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो ऊबर को बहुत हेल्प करती है डे बाय डे बेसिस पे अपना फ्रॉड्स रिमूव करने में, डिटेक्ट करने में, और इसके बिना ऊबर हो सकता था मुंह के बल गिर जाए क्योंकि जिस स्केल पे काम कर रहा है बहुत तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरीका हुआ ऊबर का मशीन लर्निंग यूज करने का। वह लास्ट एरिया जहां पे ऊबर ने खूब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यूज किया है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आई गेस आपको ऑलरेडी पता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक ऐसी कार जो ड्राइवर के बिना चल सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर ऐसे भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, गूगल टेस्ला जैसी कंपनीज ऑलरेडी अपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रोड पे उतार चुकी है यूएस में और वहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। सो ऊबर भी पीछे नहीं है, ऊबर का भी जो रिसर्च आर्म है उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर बहुत काम किया है और कुछ यूएस सिटीज़ में ऊबर की सेल्फ ड्राइविंग कैब्स चलती हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऊबर बुक करो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक सेल्फ ड्राइविंग कार आकर के पिकअप करे, ठीक है। क्यों इतना रिसर्च पे फोकस हो रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के, बिकॉज ऊबर अंडरस्टैंड्स कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अगर वो नॉर्मलाइज कर पाते हैं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई ऊबर इज़ फोकसिंग अ लॉट ऑन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कैसे यूज़ होता है ये एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, मैंने आपको कुछ 6-7 तरीके बताए जिनको यूज़ करके ऊबर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग NLP यूज़ कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला, कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिले और शायद आप इंस्पायर हुए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।